एक दिन मैं अपने नानी के घर जा रहा था। जब मेरे समर की छुट्टियां चल वो उन दादी का घर एक घने जंगल में पड़ता था। मगर मुझे बहुत अजीब लगता था ये कोई अपने घर घने जंगल में क्यों बनाए। मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया देखा। हाँ मैं उस बार थोड़ी देर बाद में अपनी दादी घर पहुँचा। फिर मैं अपने दादी का दरवाजे को तो फिर मैं अपने दादा के दरवाजे पर नॉक करता हूँ तो मेरे दादा आगे बढ़ के दरवाजा खोलने जाते हैं। फिर मेरे दादा दरवाजा खोल मेरे दादा दरवाजा खोल लेते हैं और मैं फिर अंदर चला। फिर मैं अपने दादा से पूछता हूँ ये आप जंगल में क्यों रहते हैं। तो वो मुझसे जवाब देते हैं। तो वो मुझसे कहते हैं मैं मुझे जंगल में रहना पसंद था। मेरा बचपन में यही सोचा मैं जंगल में हूँ इसलिए मैं जंगल में रहता हूँ। तो फिर मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं था। मैं उनसे कहता हूँ मैं अपना सामान कहाँ रखूँ। तो वो मुझसे कहते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक। फिर थोड़े देर बाद अपने किचन में चले जाते हैं खाना पका। सामान देता हूँ मेरे दादा किचन में खाना पकाने जाते हैं। मैं वो मेरे लिए रोटी और भिंडी बना खाना बना रहे थे और फिर मुझे देने खाने के बाद मैं सोने के कहते हुए वहाँ से मेरे कमरे में चले जाते हैं। कार की से कुछ होती तो मैं बाहर भी खिड़की तो मैं बाहर खिड़की के उठ के देख मैं तो तब खुश हो जाता क्योंकि उस कार इंसान की तरह दिखने इंसान तो जब वो दिखता था उसकी ना केवल कोई आँख नहीं थी। तो दोनों आँख उसकी कार तो मैं बहुत डर गया था। मुझे मगर तब भी लगे मगर वह मम्मी जंगल में था क्योंकि शांत हो जाता और मैं बेड पर लेट फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मुझे कुछ नहीं पता नहीं मैंने क्या किया। तो वो राक्षस मार दिया और मैं बेहोश हो जाता। तो फिर मुझे अचानक से मेरी आँख खुलती है और मैं देखती हूँ तो वो रास्ते में एक सब वो एक राक्षस जिसको मैं देखता था वो एक ड्राइंग थी जो मैंने एक बार अपने हॉरर ड्राइंग स्कूल कॉम्पिटिशन में बनाया था। और वो तब से मुझे दिख रहा है जब से मैं अपने दादा के घर आया हूँ और वो तब से मुझे दिख रहा है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इसकी वजह से मैं वहाँ पर दादा के कमरे में जाता हूँ। कुछ नहीं जब मैंने बात करी तो मैंने उनसे कहा कि मेरे कुछ अजीब चीज़ दिखी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक अजीब चीज़ कुछ नहीं है सुना वो वह ऐसे कहते हुए मैं वहाँ से चला जा रहा हूँ। बहुत डर चुका था फिर से वो मुझे पीछे करने लग गया जिसकी वजह से मैं बहुत डर चुका होता और मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ। मैं दादा को लेकर दादा को मेरे पीछे नहीं पड़ा था इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा था इसके वजह से मैं वहाँ से भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मुझे बार बार वही इंसान चल रहा दिखाई दिख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया था मुझे पता था जब पत्ते नींद आ वह इस बार भी आया मगर इस बार सफेद आदमी के रूम में जिसमें भी उसकी एक आँख नहीं जिसमें वो उसकी आग नहीं और मैं बहुत डर गया था। मैंने कुछ समझ नहीं आया था और मैं तब वही भागने की कोशिश करते मगर मैं भाग नहीं पाता क्योंकि वो मुझे पकड़ लेता है और मैं वही मुझे मार डालता है उसी जगह।